Assalamualaikum, welcome back to another vlog और welcome हो गया आपका सिचुए आसपा YouTube channel पे। तो कैसे हैं जी आप सब लोग, एक और vlog आ गया जिसका बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, क्यों मामा? हाँ जी, आप सबको बहुत ज्यादा, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको बहुत ज्यादा इंतजार था मेरी बेटी की एंगेजमेंट का। तो फाइनली वो वक्त आज आ गया है मेरे बेटे की, आज है जी एंगेजमेंट। और हम सब तो सुबह सुबह उठ गए हुए थे, नाश्ता वगैरह सबने कर लिया और बच्चियां मेरी चली गई हैं पार्लर और अब मैं भी जाने के लिए रेडी हूँ। हाँ बिल्कुल, वो दोनों तो चली गई हैं, भाभी भी और इकरा भी, अब मामा को भी मैं जाके छोड़ के आता हूँ। और वहाँ पर फिर बाकी जो है मेरे भी कुछ काम से, मैं सोच रहा था कि यार जाके एक दफा ना रेस्टोरेंट में देख लूँ कि सारा इंतजाम वगैरह हर चीज उन्होंने ओके कर दिया है कि नहीं, तो एक चक्कर लगेगा मेरा उधर का। बाकी मैंने अपनी ग्रूमिंग वगैरह रात को ही करवा दी थी क्योंकि टाइम नहीं होना था हमारे पास भी, तो बाकी जो है फिर आके हम रेडी शेडी होते हैं। तो रेडी शेडी होके फ्रेंड हम होटल में जाके आपको मिलेंगे, अभी कोई तैयारियां नहीं दिखा सकते, एक तो टाइम कम है और दूसरा बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। आगे इतना होटल में भी तो जाके आपको इतना कुछ दिखाना है, वहाँ पे रस्में रुस्में जो भी होंगी। हाँ जी, तो बस अब चलते हैं, चलो मुझे छोड़ दो, अब हम सीधा आपको रेडी होके होटल में चले जी। ये दोनों गाड़ियां आ गई हैं तो चलो जी फटाफट चलते हैं और वहाँ जाके डायरेक्ट आपको मिलते हैं। तो ये है जी मेरा आउटफिट, मैंने लैली कलर का ड्रेस बनवाया और उसके साथ ये देखिए जी मेरा ये चौकर है जबरदस्त, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये देखिए जी मेरी ये वाले हेयर स्टाइल बनाया, जूड़ा लूज जूड़ा बनाया, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, पता लग रहा है कि दूल्हे की मामा है माशाल्लाह, स्टिच वाले आस पास। अब बढ़िया है मेरी, मेरा आउटफिट देखें, मैंने ब्लू कलर का हमर से डिजाइन करवाया है, इसके साथ मैंने चौकर और ये है जी हम तीनों भाइयों का आउटफिट ऑफ द डे, हमारा जो है बाबर और मेरा जो है बिल्कुल सिंपल जो सलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट, क्योंकि फॉर्मल फंक्शन है तो फॉर्मल बेस्ट लगता है। और मेरा वही जो हाथ मैंने गिफ्ट किया था ये वाला हमने कलर सेट किया था और आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा कहा था कि ब्लू ले, ब्लू बहुत अच्छा लगता है और वाकई ब्लू वाकई बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। माशाल्लाह आप बताएं हम सब कैसे लग रहे हैं और बस चले अब सब गेस्ट करते हैं वेलकम और आप सबको। और यहाँ पर देखिए जी हमारे दोनों शहजादों को कितने प्यारे लग रहे हैं, मैम अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको, अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको, अस्सलाम वालेकुम करो, अच्छी चले जी वेलकम करते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट का जो के हैं हमारे मामू जान और मामी जान विद फैमिली।
चले जी, अब जिसका सबको इंतजार था वो आ गए हैं मेरी गोद में। आप छोटा सा सियान तो देख ही रहे होंगे। जी हाँ जी, मोमना का वेट कर रहे थे तो मोमना अपनी फैमिली के साथ आ गई है। मोमना है, अली भाई हैं और आयशा है। ये देखिए यहाँ पे जयान को देखे कौन हो मेरे घर को ना झोला नहीं है, मेरे झोले में झोला नहीं है। तो जी बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने होटल के रिव्यूज़ देने हैं, तो ये है जी नीचे कि इनकी एंट्रेंस ये जस्ट यहाँ पे जो है ना इवेंट पार्टी के लिए इन्होंने बनाया होता। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, ये देखें। और ये देखें, ये हमने डेकोरेशन यहाँ पे करवाई थी बी माय वाइफ, ये देखें जी। और यहाँ पर जी ये सारी डेकोरेशन हमने करवाई थी। यहाँ पर अभी मेल मिलाप हो रहा है सबके साथ और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे सारा जो है ये बुफे वगैरह लगेगा, खाने में क्या क्या होगा आपको बताएंगे। सुल्तान आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये खा रहे हो, चलो खाओ। तो चलिए जी, जैसा कि आप सब से हम दोनों नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली ने किया था वादा कि हम रिवील करेंगे अपनी ब्राइड का फेस, तो आज हम दिखाते हैं आपको हमारी छोटी देवरानी। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरी सबसे छोटी बहन, इसका नाम है किंजा। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा ब्राइड को लेकर चलते हैं अंदर और सेरेमनी करते हैं स्टार्ट। तो ये स्टैंड उसकी भाभियां ले रही बल्कि उसकी इकलौती बहन पकड़ेगी जो कि बहुत स्टैंड की तरह बहुत ज्यादा प्यारी है। तो बुलाती हूँ मोमना, तो वो ये स्टैंड लेकर जाएगी अंदर। माशाल्लाह, एक दफा लाजमी सबने बोल देना है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, डर के तू मुझे मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। जल्दी सबको बहुत बहुत
आप सब ने भी दुआ में याद रखना है दोनों कपल। और माशाल्लाह लाजमी कहना है वहाँ पर जो है रस्में चल रही हैं।
उधर खाना आ गया, खाना आ गया उधर। चलो ठीक, यहाँ पे खाना शाना भी आ गया। खाने में आपको बताते हैं कि क्या क्या है आज। जी फाइनली यहाँ पे खाना शाना लग गया, आपको बताता हूँ कि मेन्यू में आज क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले कई किस्म की यहाँ पे सैलड्स हैं, रशियन सैलड और ईच एंड एवरीथिंग सब सैलड्स हैं। उसके बाद ये है जी यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश नान, रोगनी नान है बहुत लेवल किस्म के। और ये है जी चिकन बिरयानी, और ये है जी चिकन कढ़ाई, और ये है जी मलाई बोटी, और ये है जी चिकन कबाब। बहुत ही डिलीशियस खाना है, आपको रेस्टोरेंट का मैं बताऊंगा लाजमी लास्ट पे। लेकिन फटाफट जो है ना यहाँ पे हम खाना स्टार्ट करते हैं, अभी भी थोड़ी सी रस्म चल रही है, रस्म फटाफट ख़त्म करते हैं तो फिर खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी खाना खुल चुका है और ब्राइड और ग्रूम जो है बैठ के दोनों खाना खा रहे हैं, फर्स्ट खाना खा रहे हैं इकट्ठे अपनी लाइफ का। कैसा है गुलवेज खाना? अच्छा आंटी बताएं खाना कैसा है? मामा ज़बरदस्त, चलो जी आप इंजॉय करें अपना खाना, आप भी इंजॉय करें। चल अबू जी कैसा खाना? बहुत मज़ा। निम्र आप बताएं? ज़बरदस्त, चलें जी इंजॉय करें आप। वहाँ पर बिलाल भाई और अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं जी मज़े क्या है। चलो ज़बरदस्त, चलो इंजॉय करें अभी। अभी यहाँ पे सब खाना शाना खा रहे हैं तो अब मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। इकरा कुछ खा लें अभी, चलो आओ खाएं। तो सारे खाना खा रहे हैं और हमारी फैमिली ना हम खाते हैं देसी मोड में, तो टन टन ये देखें जी फुल देसी माहौल, अफगानी स्टाइल में खाना खा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, आयशा भी बैठी हैं, और यहाँ पे अली भाई और बहन बैठी हैं, और यहाँ पे बाबर भाई जो है सर्व भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है बैठ के खा भी रहे हैं। खाना भी खाने के बाद चले जी यहाँ पर सबको खाना शाना दे के, हालांकि बुफे लगा हुआ है सब अपना अपना खुद देंगे ना, लेकिन जो पर्सनल है जैसे बहन चैन ये वो सबको जो है पूछ पूछ के एंड पे मैं बैठूँ यहाँ पे खाना शाना खाने के लिए। तो खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सब ने बहुत तारीफ की है, तो मैं भी अब टेस्ट करता हूँ और टेस्ट करके बताता हूँ कोई कैसा खाना है, और फिर आपको रिव्यूज भी दूंगी। जो मेरे ओवरसीज हैं ना सब्सक्राइबर उनको हर चीज़ मैं बताऊँगा, बेफिक्र है। यहाँ पे खाना फटाफट खा लें बस। चले जी खाना खा लिया और बहुत मजा आया, और यहाँ पर ना अब एक इंटरेस्टिंग काम मैं करवाने लगी हूँ, वो ये है कि ना ये है हमारा दूल्हा, ठीक है, और अब ये मारेगा इन चारों के चारों को थप्पड़ ताकि इनके भी रिश्ते जल्दी से जल्दी हो, इनकी जितनी जोर से होगा उतनी जल्दी रिश्ते आएंगे। यार दो बंदे रह गए, बाबर और मैं, मामू भी रह गए। चले जी यहाँ पर सब जा रहे हैं, चले आंटी फिर होती मुलाकात इंशाल्लाह, घर पे होती मुलाकात आंटी के घर पे। अच्छा जी ओके जी अल्लाह। तो ये था जी हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एंगेजमेंट का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह, तो खैर ऑफिस से सारे काम हो गए, हम सबको बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम, बहुत ज्यादा, और आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा देखकर। तो यहाँ पर होता है जी हमारी वीडियो का एंड, हमारी एंगेजमेंट का डे खत्म। ये थोड़े तो और 50 के भी हो गया, 50 के भी हो गया। अभी तो दावतें भी होंगी तो रेस की तरफ बहुत सबको कट्ठा बुला के बुफे लगवा देना। पूरा महीना हम लोगों ने एंगेजमेंट का इवेंट ही रखा, अब पूरा महीना एंगेजमेंट की हमने पार्टियां ही रख ली है। तो ये दीजिए हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्टीफ पर आस्था के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।